हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ लिट्टी चोखा की रेसिपी, थोड़ा अपने तरीके से। तो इसमें चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनेगा, और बहुत टेस्टी बनता है, जल्दी भी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। जो लिट्टी है वो हम आज तलने वाली बनाएंगे, नॉर्मल स्मोकी वाली लिट्टी नहीं बना रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा चोखा भी मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। नॉर्मली मैं घर में चोखा ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है, बैंगन वगैरह भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए यहाँ पर मैंने बैंगन, आलू और टमाटर को अच्छे से धुल के काट लिया है। बैंगन और टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, आलू की कम ही रखिएगा, या जैसे आपको सही पड़े। यहाँ पर मैंने 3 बैंगन और 3 टमाटर लिया है और 1 आलू ली थी। तो अच्छे से सबको काट के कुकर में ऐसे डाल देना है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि तड़का लगाना है, पानी डालना है, कुछ नहीं, पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। सिर्फ बैंगन, टमाटर, आलू और मिर्ची और लहसुन की कलियाँ डाल के, हल्का सा नमक डाल के, और 1 चम्मच हम सरसों का तेल डाल के इसको बेसन लगा के रख देंगे। सीटी इसको आने देंगे, पर एकदम स्लो फ्लेम में रखेंगे। 10 मिनट ही पकेगा, 1 से 2 सीटी आ जाएगी, बस 2 सीटी में ये अच्छे से पक जाएगा। और पकने के बाद फिर देख लेंगे हम। पहले इधर हम देख लेते हैं हमारी बाटी भी बन रही है। तो उसके लिए मैं ये सत्तू की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें सारी चीज़ें, प्याज लहसुन वगैरह ऐड करके सत्तू तैयार कर लीजिए। आटा भी नॉर्मली साना है, जैसे सानते हैं। बस यहाँ पर एक प्रोसेस मैंने अलग किया है कि ये देखिए, पहले लिट्टी को हम भर लेंगे सत्तू वगैरह। उसके बाद ये कुकर में पानी रख दिया है, और हल्का सा ही गर्म होने के बाद हम सारी लिट्टियाँ जितनी मैंने स्टफ्ड की थी, सारी लिट्टी उसमें डाल देंगे और 2 सीटी अच्छे से लगा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा उसमें, बहुत अच्छी बनती है। इससे क्या होता है ना कि आप लिट्टी बना के रख सकते हैं, और कभी जब आपके मेहमान आए तो उनको बस तल के दे सकते हैं। तो ये हमारी लिट्टियाँ इधर तैयार हो गई हैं उबलने के बाद। और ये देखिए, चोखा भी हम तैयार कर लेते हैं। चोखा हमारा बहुत अच्छे से बन गया था, मैश हो गया था। बस इसमें प्याज लहसुन और तेल डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। इधर देखिए, हम बाटियाँ हमारी ठंडी हो गई थी ये 2 घंटे के लिए। मैंने कुछ देर पहले इसको उबाल के रख दिया था, और शाम को बनाना था इसको। तो देखिए, अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने चूरमे का लड्डू भी बनाया था, तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो जाके आप देख लें, लिंक मैं दे दूँगी। ये देखिए, हमारी लिट्टी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी बहुत अच्छी बनी है। और पता है इससे क्या होता है, ऑयल जो है, ऑयल बहुत कम लगता है, एकदम ऑयली ऑयली नहीं लगती है एक लिट्टी को उबालने से। तो ये देखिए, हमारी लिट्टियाँ तैयार हो गई। मैंने थोड़ा सा दाल चावल भी डाला था। हमारे साइड ना लिट्टी चोखा के साथ दाल चावल जरूर ही लेते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, ये इसके साथ एक मिर्ची का अचार, और ये है हमारा चूरमे का लड्डू। चावल बाद में देंगे। तो ये देखिए कैसी लगी आपको रेसिपी, इंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और वीडियोस थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे इस वीडियो आएँ, क्योंकि ट्राईपोर्ट मैंने बताया था ख़राब था, मैंने सही करा लिया है, अब वीडियोस अच्छी तरीके से आएंगी। तो चलिए, ये देखिए बाटी कितनी सॉफ्ट बनी है, देख रहे हैं ना, एकदम सॉफ्ट। ज़्यादा कोई मोयम वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला था, नॉर्मल आटा गूंथा था। तो चलिए, फिर मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।